हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बाबास ऑनलाइन वर्ल्ड। आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग टीवी की बेस्ट साउंड सेटिंग्स के बारे में। ये जो साउंड सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे ही मॉडल के लिए बेस्ट है, चाहे आपके पास सैमसंग एलईडी का कोई सा भी मॉडल हो, आपके पास चाहे एलईडी हो या एलसीडी हो या ओएलईडी क्यूएलईडी, कोई सी भी आपके पास एलईडी हो या कोई सी भी टीवी हो, ये सेटिंग्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो साउंड सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल ही बेस्ट हो जाएंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की एक एक स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना स्किप करे पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने अपनी एलईडी जो है वो ओपन कर ली है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है मेन्यू में और फिर यहाँ पे आपको जाना है साउंड सेटिंग्स में। साउंड सेटिंग्स में आप कई सारे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है मोड का, उसको आप स्टैंडर्ड रखिए और यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़रूरत है। आप इसको म्यूजिक भी कर सकते हैं, मूवी भी कर सकते हैं और क्लियर वॉइस, ये चार ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। तो हम फिलहाल इसको स्टैंडर्ड ही रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे और सारे ऑप्शन भी आते हैं, इक्वलाइजर, इस पर आप जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एज इट इज आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम जाते हैं फिर से वापस, यहाँ पे आप जो थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं वो है ऑटो वॉल्यूम, इसको आपको ऑन रखना है। और फिर आप आता है स्पीकर सिलेक्ट, इसको आपको टीवी स्पीकर रखना है। और इसके बाद टीवी इंस्टॉलेशन टाइप आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्टैंड भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आता है HDMI ऑडियो फॉर्मेट, ये आपको बिट स्ट्रीम रखना है। और इसको करने के बाद आपकी सारी जो साउंड की सेटिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ये तो हो गई हैं टीवी की सेटिंग्स। आप अगर सेटअप बॉक्स की जो सेटिंग्स हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।